सरहद पे तनाव है क्या? चुनाव है ना सर। सरहद पे तनाव है क्या? पता करो चुनाव है क्या। एक गांव की एक कहानी सुनाता हूँ, उससे देशभक्ति जरा बेहतर आप समझ जाएं। एक गांव में कुछ चोर घुसे थे। गांव वालों ने पता कर लिया कि चोर आ गए, उनको दौड़ाना शुरू किया। तो वो दौड़ा रहे थे तो भाग रहे थे, चोर चोर कहते। तो चोर जो आगे भाग रहा था, उसको लगा कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो हम ही पकड़ा जाएंगे। वो चोर भी चोर चोर कहते कहते भाग रहा था। इसका मतलब ये है कि जो ज्यादा जोर जोर से देशभक्ति, भारत माता, राष्ट्र चिल्लाए, पता कर लेना चोर है। तो उसके दादा मुखबीर थे अंग्रेजों। गांधी को मारने वाले, अंबेडकर का पुतला जलाने वाले, ताबूत का दलाली करने वाले हमें सिखलाएंगे देशभक्ति। क्या देशभक्ति सिर्फ झंडों से और नारों से नहीं बनता है, देशभक्ति बनता है, देश बनता है लोगों से बनता है। और ये लोकशाही है, और जो बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं उनकी लोकशाही में आस्था नहीं है। उनका पूरा गवर्नेंस कहाँ से आ रहा है? वो मनुस्मृति से आ रहा है, ये बात हम जानते हैं। साथियों, जो शहीदों के लाश पे जो राजनीति करते हैं उसका मतलब हम लोग समझते हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि है ही। अगर पाकिस्तान हमारे अंदर घुस के कुछ गड़बड़ी करता है तो पाकिस्तान मुर्दाबाद है, लेकिन मनुवाद भी मुर्दाबाद है, ये भी आप अब तय कर लीजिए। आपको तय करना पड़ेगा। जो ये आवाजें दबाई जा रही है, लीला हम जानते हैं क्या है लीला। जब भी कुछ होता है तो पुलवामा हमें दिखाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट वो कहते ना कि आदिवासियों को एविक्ट करने के लिए जो ऑर्डर निकाले थे, जाके कहते हुजूर अभी पुलवामा है, राष्ट्र पे संकट है और जरा इसको रहने दीजिए। अडानी को जो 50 साल के लिए एयरपोर्ट दिए हैं ठेका पे, वो भी रोक लेते, राष्ट्र संकट में है। तो जब जब इस देश के वंचित जमात, मजलूम जब अपनी आवाजें बुलंद करती है तो जोर जोर से राष्ट्रवाद अगर चिल्लाए तो समझ लेना कि मनुलीला संकट में है, ये बात समझना है। साथियों, लोग समझते हैं डराने से कोई डर जाता है, थोड़े इसी विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं और पढ़ा भी रहा हूं। मुझे एक दो बातें कहनी कि 2 किलो बीफ, कोट अनकोट बीफ, पता नहीं बीफ था भी कि नहीं था, वो पकड़ा जाता है, वो पकड़ा जाता है। और 50 किलो या 100 किलो पता नहीं क्या है, 250 किलो प्रेसिडेंट रूल्ड हाईली सेंसिटिव एरिया में वो घुस जाता है और ये आपको पता नहीं लगता है। इसका मतलब क्या? आप कुंभ में नहा रहे थे क्या? आपकी सारी एजेंसी कुंभ में नहा रही थी? ये सवाल बनता है। और ये सवाल करना, इसका अधिकार हमें लोकशाही और देश का संविधान देता है। घरियाली आंसू रोने वाले आपके मंत्रियों को हमने देखा है, जो शहादत जहां पे आप गए थे, जूता पहन के बैठे हुए थे, हंस रहे थे, दांत दिखा रहे थे, साधु को भी देखा उधर। तो आप क्या कर रहे हैं? इस देश की आवाम, इस देश की जनता ये समझती है। साथियों, पिछले 4-5 साल में हम लोग लगातार छोटे छोटे इतना वर्ष में मुद्दे उठाते रहे, लिखते पढ़ते बोलते। 4 साल में ये सरकार ऑल फ्रंट, फॉरेन पॉलिसी से लेके और इंटरनल पॉलिसी, हर जगह ये सरकार फेल हो गई है। देखे आप, जो गैर संवैधानिक आरक्षण 10-48 घंटे में पास हो, पता नहीं है कौन नागपुर के जनऊ स्कूल ऑफ फिलोसफी से वो आरक्षण आया था। लेकिन जो संवैधानिक आरक्षण है, फाइल अभी भी घूम रहा है, फाइल हर जगह घूम रहा है। आदिवासियों को, जो कि मूल निवासी देश का, अचानक सरकार वहां अपना वकील, अपना दलील नहीं पेश कर पा रही है। मैं तो, यहां आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, कानून की पेचीदगियां आप लोग से पूछ लूं तो आप लोग नहीं बताएंगे, यहां का प्रोफेसर नहीं बता पाएंगे। वो पहाड़ों और जंगल में रहने वाले वो लोग क्या समझेंगे, क्या बताएंगे? तो एक्शन होना चाहिए था सरकार पे, ब्यूरोक्रेसी पे होना चाहिए था, लेकिन आपने तुगलकशाही फरमान आपने दे दिया। विश्वविद्यालय में क्यों इतना तनाव? क्योंकि विश्वविद्यालय सवाल लगातार, चाहे रोहित कुंबला का हो, चाहे सहारनपुर हो, ऊना हो, चाहे रकबर हो, चाहे जुनैद हो,
ये तमाम सवाल विश्वविद्यालय में आप जैसे एक्टिविस्ट लगातार उठाते रहे, क्योंकि विश्वविद्यालय जो लोग जो है वो पेड़ के नीचे पढ़ने की जो है गुरुकुल की परंपरा है, उनको विश्वविद्यालय से क्या मतलब, उनको इतना फंडामेंटल पता नहीं है कि विश्वविद्यालय बना है विश्व सबसे यूनिवर्स, जहाँ के तमाम दुनिया के विश्वविद्यालय, दुनिया के तमाम विचारधाराएं आती हैं और जाती हैं, और इस तरह से इंटेलेक्चुअल फॉर्मेशन होता है। हम भक्त नहीं बनाते, हम लोग वैज्ञानिक सोच की परंपरा के हैं, हम लोग सवाल करने वाले पूरी पीढ़ी तैयार करते हैं कि सवाल करो, हमसे भी सवाल करो, सवाल करो, लेकिन वो सवाल वैलिड होना चाहिए। तो ये सिर्फ दिक्कत क्या हो रही है, रोहित मुमुला घटना नहीं संकेत था, यहाँ सिर्फ विचार ही नहीं है, अब विचार रखने वाले लोगों में भी डाइवर्सिटी आ रही है, महिलाएं आ रहे हैं, दलित आ रहे हैं, बैकवर्ड आ रहे हैं, सब तरह तरह के रंग बिरंगे लोग आ रहे हैं। तो जो लोग विश्वविद्यालयों की अपनी जागीर समझते रहे हैं, उनको लगता है कि ऐसे लोग आ गए, सब काले पीले लोग आए, देख के उनको टेंशन मारता है, माथा में मारता है इधर टेंशन, तो टेंशन अभी जितना मार रहा है उससे ज्यादा मारेगा। और साथ ही वो तमाम जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, विश्वविद्यालय ही टारगेट सबसे ज्यादा है, क्योंकि विश्वविद्यालय जैसे ही डेमोक्रेटाइज होगा, इसमें ट्राइबल भी आएंगे, दलित भी आएंगे, तमाम महिलाएं आएंगी, सब तरह के लोग आएंगे, और सब तरह के जब लोग आएंगे तो यहाँ पे अम्बेडकर के भी बात होगी, फूले पे भी होगी, फातिमा शेख पे भी होगी, तमाम बातें होंगी, सारे विचार पे बात होगी। तो इनका जो है, इनका जो वर्चस्व रहा है सदियों से इस लीला वाले ज्ञान वाले में, इन्होंने आज तक कुछ नहीं बनाई है। मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ कि आज तक सिर्फ इन्होंने बनाया है तो सिर्फ एक चीज बनाया है, क्या बनाया है, बस, इसके अलावा कोई अनुसंधान इनका नहीं है। तो ये समझना है तमाम इशूज को लेकर, जिस तरीके से हमले हुए एक साथी पे, इस तरह उसकी घटना तो है ही, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन मौनी बाबा क्यों बना हुआ है, इस तरह की प्रवृत्तियों को कैसे यहाँ पे आप खुली छूट दे रहे हैं, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। साथियों, इन तमाम इशूज को लेकर यहाँ सरकार की एजेंसी है, कई लोग भी लगातार, हम लोग कई साथी हैं यहाँ पे, ये 5 मार्च को एक कॉल भी है इन इशूज को लेकर, 5 मार्च को 2 अप्रैल की पुनरावृत्ति कर देनी है, भारत बंद रहेगा, हिंसा के हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ओबीसी के राइट से उसका हनन हो रहा है, आप जाके मोदी जी पांव धो रहे हैं। और मैंने गहन अध्ययन किया फोटो, तो उसमें देखा कि पांव जो है, लगता है, मुझे पता लगा कि वहां जाने से पहले 4-5 दिन पहले उनको जो है विदेशी शैम्पू से धुलवाया जा रहा है, लगा हुआ है, पायल लगा हुआ, कोई इसमें खराब बात नहीं, लेकिन जो लीला आप कर रहे हैं, पांव मत धोइए, जो सीवर में लोग जो मर रहे हैं उनको उनको देखिए, उनको नौकरी दीजिए। तो मोदी जी की जो लीला है, मोदी लीला ये और कुछ नहीं है, वोट लीला है, क्योंकि चुनाव आ गया है, फेल हो गए हैं, और आप जैसे लोग तमाम सवाल उठा रहे हैं, इसलिए इनको लगता है चुनाव निश्चित हारेंगे। आपने 13 पॉइंट रोस्टर 5 मार्च 2018 को लाया था, 5 मार्च को 1 साल पूरा हो रहा है, आपने आरक्षण की 13वीं कर दी है, आपकी सरकार की 13वीं होनी है 2019 में, सीधी सीधी बात है। इसलिए साथियों, जहां भी है, जो भी संगठन है, ये कोई मैं ओपन स्पेस में बोल रहा हूं कि 5 मार्च का जो कॉल हुआ है बंद, भारत बंद का, उसके समर्थन में हम लोग भारत बंद करेंगे, और उसमें तमाम साथी ये इशूज होंगे, इंक्लूडिंग वायलेंस ऑन द कैंपस। शुक्रिया सर।